हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करेंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक वैकेंसी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि निकला है ASU यूनिट ऑफ 71 सब एरिया हेडक्वार्टर कमांड रिक्वायरमेंट नोटिस से निकला है। इस नोटिस को पूरा मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि वैकेंसी कितना है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल मेल कैंडिडेट, सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है टू बी फिल्ड ऑफ फॉलोइंग वैकेंसी ऑफ ग्रुप सी वैकेंसी है 71 सब एरिया के लिए, जो कि हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड के लिए वैकेंसी है। उसके बाद नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है वैकेंसी का डिटेल्स पूरा, कि नेम ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसी। तो फर्स्ट वैकेंसी देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए वैकेंसी, टोटल 27 वैकेंसी है, जिसमें से यहाँ पे मैट्रिक भी दिया हुआ अच्छा खासा और एज दिया है 18 से 27 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है, इसमें आपका माध्यमिक पास है और उसके संग संग आपको सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल फ्रॉम DTO और RTO से आपका लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, आप सभी का होना चाहिए, व्हीकल का लाइसेंस भी कंपलसरी है। उसके बाद इसमें देखें तो जनरल में 5 वैकेंसी है और SC में आपका 21 वैकेंसी है और EWS में 1 वैकेंसी है, टोटल इसमें 27 वैकेंसी आपको दिया गया है। उसके बाद नीचे आते हैं तो दिया हुआ है व्हीकल मैकेनिक का दिया हुआ टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें आपका यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ SC में 1 वैकेंसी है, बाकी सब कैटेगरी में वैकेंसी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इसमें 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास है तो भरेंगे। उसके संग संग आपको रीडिंग कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड नंबर ऑफ टूल्स एंड वेंसिल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश में आप सभी को जो नंबर वगैरह जो दिखा रहता है व्हीकल में उसे पढ़ने का क्षमता आपके पास होना चाहिए, माने पढ़ना आना चाहिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद दिया हुआ है 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हिज ट्रेड, मतलब इसमें 1 साल का आपका मतलब ट्रेड में आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें 1 वैकेंसी है जो कि SC में दिया हुआ है। उसके बाद है फायरमैन की वैकेंसी है, जिसमें आपका टोटल 3 वैकेंसी है जो कि इसमें सैलरी भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 18 से 25 साल का जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है, उसके संग संग आपका नॉलेज मस्ट बी कन्वर्ट विद द यूज़ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर होप फिटिंग और फायर एप्लीकेशन, मतलब जो भी इक्विपमेंट होते हैं फायर से रिलेटेड उसे आपका चलाना आना चाहिए, मस्ट इसमें दिया हुआ है। उसके संग संग आपको आपका होना चाहिए मस्ट नो एलिमेंट्री प्रिंसिपल फायर फाइटिंग मेथड इम्प्लॉयड इन द फाइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फायर। उसके संग संग नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि आपका मस्ट बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ड्यूटी। उसके बाद यह हाइट की बात की जाए तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउ फॉर मेंबर ऑफ दोज, मतलब 2.5 सेंटीमीटर इसमें कुछ छूट दिया जाएगा जिनको, जो कि शेड्यूल ट्राइब से रहेंगे उसे छूट दिया जाएगा। उसके बाद चेस्ट ऑन एक्सपेंशन आपका 81.5 सेंटीमीटर और ऑन एक्सपेंशन में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब फुलाकर आपका वेट 50 केजी से ऊपर ही होना चाहिए, 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें टोटल 1 वैकेंसी आपका SC में दिया हुआ है और ST में 2 वैकेंसी, यानी 3 टोटल वैकेंसी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो दिया हुआ है लेबरर का वैकेंसी, जिसमें आप सभी को लेबरर में दिया हुआ है टोटल 10 वैकेंसी, जिसमें आपका पे मैट्रिक भी देख लीजिए, एज है 18 से 25 साल के कैंडिडेट और क्वालिफिकेशन 10th पास, सिर्फ 10th पास है तो लेबरर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में टोटल 7 वैकेंसी और OBC में 3 वैकेंसी है। उसके बाद नीचे की तरफ कारपेंटर की देखा जाए तो कारपेंटर में 1 वैकेंसी है, जो कि आपका जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट है वो जनरल से भर सकते हैं, 18 से 25 साल और 10th पास, उसके संग संग आपका नॉलेज होना चाहिए कारपेंटरी में, हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ सिंबल दिया हुआ कि UR का मतलब क्या होता है, SC का मतलब क्या होता है, इसे आप देख लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो एज लिमिट की बात की गई है, जो कि दिया हुआ है कि एज लिमिट फॉर पोस्ट वैकेंसी फायरमैन और लेबरर और कारपेंटर 18 से 25 साल अनरिजर्व के लिए, 18 से 28 साल OBC के लिए और 18 से 30 साल SC और ST के लिए,
और एज लिमिट फॉर पोस्ट सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 18 से 27 साल है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी को 18 से 32 साल जो कि एससी कैंडिडेट के लिए और 18 से 32 साल जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। एज लिमिट यहाँ पे एक सर्विसमैन का अलग से 3 साल का जो बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी अलग से जो एज क्राइटेरिया अलग से रखा गया है। इंटरनेशनल और नेशनल चैम्पियनशिप जो होंगे उनका अलग अलग दिया है, जिसे आप पढ़ लेंगे, जिसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ सर्विस लाइबिलिटी वगैरह कुछ दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ लेंगे। फिजिकल यहाँ पे प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट यानी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है जो कि फर्स्ट में फिजिकल या प्रैक्टिकल करवाया जाएगा पोस्ट के हिसाब से, उसके बाद आपका रिटन होगा। फर्स्ट में फिजिकल होगा वो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और आप ए का ग्रुप सी का पोस्ट ये आपका रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देने जाएंगे फिजिकल, अपने रिक्स पे जाएंगे, ऑन रिक्स पे क्लूज, इनमें कोई अलग से कुछ आपको नहीं पे किया जाएगा कंपनसेशन। उसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दिया हुआ फिजिकल टेस्ट जो कि अलग से फॉर फायरमैन का अलग से फिजिकल के बारे में बताया है, तो यहाँ देख सकते। तो यहाँ पे फायरमैन का फिजिकल में दिया हुआ है कि मतलब यहाँ पे इंड्योरेंस टेस्ट है जो कि आप सभी का यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलावा फायरमैन में यहाँ पे कैरिंग मैन 65.5 केजी आपको उठाना है, लिफ्ट करना है, और उसके बाद 183 मीटर विद इन 90 सेकेंड, मतलब 183 मीटर तक आपको 96 सेकेंड के अंदर में पहुंचना है इतना वेट उठा के। उसके बाद ए बी कैटेगरी में दिया हुआ है 2.7 मीटर वाइड डेथ लैंडिंग ऑन बोथ फीट यानी लॉन्ग जंप आपको इतना हाइट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप जो कि ऊपर की तरफ टंगा रहेगा 3 मीटर तक, और उसे हैंड एंड फीट यूजिंग हैंड एंड फीट आपने हाथ और पैर का यूज़ करके उस पर चढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल ट्रेड एक्सपेक्ट फायरमैन, मतलब फायरमैन को छोड़ के अलग बाकी जितने भी है उस सभी का रिटन टेस्ट होगा, जो कि रिटन टेस्ट में मिनिमम 33% पासिंग मार्क्स है, और उसके अलावा आपका कटअप अलग से बनने वाला है। इसमें आपका जो पेपर रहने वाला है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में पेपर यानी बाइलिंगुअल में पेपर आने वाला है। उसके बाद इसमें पेपर का दिया हुआ ऑल्टरेट का जो कि पार्ट वन में जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग रहने वाला है 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स का, और उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स का और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट थ्री में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आप सभी को यहाँ पे 33% लाना है पासिंग के लिए सिंपल, और उसके बाद कटअप के लिए इससे भी ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्किंग है ईच रॉन्ग आंसर, यानी प्रत्येक एक रॉन्ग करने पर आप सभी को 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे सही में से। टोटल 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटेलिजेंट रीजनिंग इंग्लिश न्यूमेरिकल का टॉपिक बताया कि कौन कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑल्सो भी फॉलोइंग कंडीशन, मतलब मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा कराया जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन कैरेक्टर एनएनएनटेन दिया जाएगा, वेरिफिकेशन ओ बी एस सी एस टी ओ बी सी ईडब्ल्यूएस जिनके सर्टिफिकेट है उनको टेस्ट किए जाएंगे। बाकी सब यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपको चेक किया जाएगा कि डीटीओ और आरटीओ से बना है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा अगर रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो। सेंटर फॉर टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड एट यानी रिसेप्शन सेंटर रिक्वायरमेंट सेल 5471 एएससी बटालियन नियर भारफानी मंदिर ऑपोजिट एसटी कॉलेज पथांकी कैंट पंजाब में आपका चेक किया जाएगा। इस एड्रेस को मेंशन कर किया हुआ है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो ये अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड इसमें अप्लाई है, जो कि आपको फॉर्म भर के रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, इन तीनों में से कोई एक पोस्ट आपको करना होगा। इसमें आप सभी को फोटोकॉपी आपको भी मेंशन करना होगा, भेजना पड़ेगा फ़ोटो, जितने भी जेरोक्स वगैरह सब है। यहाँ पे दिया हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट का जितना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का जेरोक्स, सभी को आपको फॉर्म के संग अटैच करके भेजना होगा।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप सिविल मोटर से भरते हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फायरमैन से भरते हैं तो उसके लिए आपको मस्ट भी नॉलेज एलिमेंट्री प्रिंसिपल फाइटिंग मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आपका यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, कारपेंटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सेल्फ एड्रेसेस इन अपिक्स पोस्टल स्टैम्प, मतलब छोटा सा जो एक तो बड़ा इन्वेलप के अंदर में छोटा इन्वेलप डालेंगे उनमें आपको 45 रुपया का पोस्टल स्टैम्प लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लगाते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बड़ा वाला जो इन्वेलप आप भेजते हैं उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन वगैरह रखते हैं उसके इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिन जिन पोस्ट से भरते हैं उसका पोस्ट का नाम खाली जगह में भर देंगे, और अलॉन्ग विथ सेल्फ एंड फादर एंड मदर, मतलब फादर और मदर के जो भी नाम है वो लिख देंगे, फादर या मदर का नाम भी उसमें लिखना पड़ेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद 21 दिन का टाइम दिया हुआ है जो कि आपका अगला महीना 11 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन और भी दिए जिन्हें आपको पढ़ लेना है, हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इनकम्प्लीट अगर आपका फॉर्म रहता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर उसमें फ़ोटो वगैरह नहीं रहता तो आपको फ़ोटो भी आपको लगाना है, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसमें कोई कैप वगैरह पहन के आपका फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपका दिया हुआ फॉर्म भी दिया हुआ है जो कि फॉर्म को आप देख लेंगे कि फॉर्म कैसा है, तो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो दिया हुआ है इसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के बाद आप साइबर कैफ़े से इसे निकलवा सकते हैं, 2 पेज का है। फर्स्ट में इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम या मदर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपका लास्ट डेट से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ का कितना ईयर मंथ और डे है, आपके यहाँ पे कलर पासपोर्ट फ़ोटो लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपका बॉडी में कहाँ कटा है वहाँ पे इसमें लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस और फॉर करेस्पोंड जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस अगर करेस्पोंड एड्रेस सेम है तो सेम लिख देंगे, अगर अलग अलग है तो अलग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको लाने के लिए यहाँ पे ईमेल आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा कास्ट बिलोंग करते हैं वो कास्ट का यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप बिलोंग करते हैं जो भी विच अप्लाइड यानी कौन सा कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसे आप लिख देंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका कौन सा है इसमें जो भी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इसमें दे देंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी आपको देना पड़ेगा, DTO इशू बाई कौन सा डे अटैच करना पड़ेगा इसमें, कौन सा डेट में आपका इशू हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है इसमें बॉक्स के अंदर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और कौन सा डेट में फॉर्म भरा है उसे भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद ये वाला ऑफिस यूज़ करेगा इसे आपको कुछ नहीं भरना है, इसे यहाँ तक यहाँ छोड़ देना है। उसके बाद एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है इसमें आपको फ़ोटो लगाना है, और जो भी पोस्ट से अप्लाई करे इसमें लिख देना है, अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, एज और मदर या फादर नेम, कैटेगरी जो भी है वो भी लिख देंगे, अपना एड्रेस जो उसमें भरे वही एड्रेस यहाँ पे अपना करेस्पोंड एड्रेस इसमें भरेंगे जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ सके, जहाँ आप परमानेंट रहते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर भर देंगे। उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पे आपका देंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर, और ये वाला ऑफिस यूज़ करेगा जिसे आपको छोड़ देना है, यहाँ 9 से लेकर 13 नंबर तक आपको छोड़ देना है। तो इतना ही था, तो आप रजिस्टर पोस्ट रिलेशन पोस्ट यहाँ पे अलग से दिखाया गया कि कैसा होता है। तो इतना ही था, आई होप कि वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।